अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की कैबिनेट में शामिल करने पर अपना दल के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अपना दल एस के कार्यकर्ता अपनी खुशी को आम लोगों के साथ भी साझा करने में पीछे नहीं है। अपना दल एस मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष पंडित विजय शर्मा के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया गया और मिठाई बांटकर सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनुप्रिया पटेल को मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल होने पर सबसे ज्यादा खुशी है और जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को दिया गया है उससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और 2022 में अपना दल एस अपनी भागीदारी निभाएगा और उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे। इस दौरान जिला अध्यक्ष पंडित विजय शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर महिला विंग की जिला अध्यक्ष डोली, संजय शर्मा, सुभाष अग्रवाल, त्रिलोकीनाथ सैनी, फहीम पाशा, अशरफ अली, महेंद्र गुप्ता, महानगर अध्यक्ष अमरीश यादव, सागर भारती, मोनू कावरिया, विशाल भारती, योगेश कुमार आदि लोग मौजूद थे। क्या कहना है भाई साहब? आज मैं पंडित विजय शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष अपना दल एस मुरादाबाद। मैं सर्वप्रथम अपनी बहन अनुप्रिया पटेल, किसान वंचित कमेरा समाज की नेता अनुप्रिया पटेल जी को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। साथ में जो दबे कुछ लोग वंचित लोगों का जो मौका मिला है सरकार में, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी इतनी गहराई से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इन्होंने गरीब लोगों को जो मौका दिया अनुप्रिया पटेल ने को मंत्री बनाकर, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अच्छा, इसका 2022 पर क्या आगामी 2022 का ही परिणाम है जिससे कि आज हमारी बहन को उन्हें दोबारा मंत्रिमंडल जगह दी गई है। चुनाव 2022 में दो प्रदेश में होने वाले हैं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उसी के लिए ये गठन हुआ है।